अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, कल के दिन की तरह। आज मौसम बहुत प्यारा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, लेकिन रात को यार बहुत तेज़ तूफान आया हमारे इलाके में, और जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी के बहुत सारे दरख्त टूट भी गए हैं, और हमारे घर का भी यार दरख्त टूट गया। वो पीछे आप देख सकते हैं, दरवाजे के पास पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। तो अभी हम दुआ कर रहे हैं कि यार मज़ीद तेज़ बारिश ना हो, इसी तरह से हल्की हल्की होती रहे, ताकि मौसम ठंडा रहे और हमारे परिंदे खुश रहें। और हम कुछ नहीं चाहते तेज़ बारिश यार, नहीं चाहते हम, क्योंकि रात को हम इतना जलील हुए ना, रात को हमारी यार छत फुल बंद हो गई थी यार, उसकी नकासी और सारा पानी सीढ़ियों से नीचे फ्लड बह रहा था, ऐसे ऐसे ही लग रहा था यार। और मैं और सिप्तान तो बहुत ज़्यादा तंग हुए थे रात को, पानी निकालना मास्टर के से रैबिट हाउस से, पूरी छत तालाब का मंजर पेश कर रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से, क्योंकि तुमने जो है नकासी बंद रखी थी। मैंने कहा था इसको तोड़ यार, लास्ट टाइम नकासी हमारी खुली हुई थी, जिसकी वजह से सारी वो बंद हो गया था पाइप, तुम्हें पता तो है ना सिप्तान, इस वजह से मैंने शयान ने डाले थे, वो क्या नाम है, तो अभी भी तो डाल सकता था। मैंने इस वजह से बोला है कि यार बारिश तेज आ गई है, हम जाते हैं यार। आज का हमारा प्लान है कि हम जाएंगे आज मार्केट और कुछ नए मेहमान लेकर आएंगे हमारे कबूतरों के लिए। और बारिश आ रही है, पता नहीं यार जा सकते हैं नहीं जा सकते सिर्फ जाएंगे तो वो दरख्त देखे, मैं आपको दिखा देता हूँ यार। ये वाला दरख्त हमारा टूटा है कल रात, और बेचारा कभी कभी काम आ जाता है यार। तो अभी सिर्फ चलो चलते हैं यार, बारिश तेज हो जाएगी तो जा रहे हैं यार मार्केट, फिर मिलते हैं। पहुंच चुके हैं दुकान पर, और यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं, तो मुझे जो पसंद आ रहे हैं सिप्तान, मैं जो चाह रहा हूँ कि हम लें, ये जो सामने नहीं बैठे हुए हैं, सामने तो सारे बैठे हैं भाई। नहीं ये वाले यार, ये ब्लैक नहीं है जो सिप्तान। अच्छा ये देखो, ये वाला प्यारा है। हाँ, ये वाला प्यारा लग रहा है मुझे। अच्छा ये सेम है, तीन सिप्तान, ये भी है वो भी है, तीन सेम कबूतर है। हाँ जी, मैं जा रहा हूँ अंदर, और मुझे तुमने बताना है कि जो जो लेने हैं, ठीक है? यहीं उठा लो, चलो चलो, और भी लेनी है तो डालो, ये भी डाल दो। पहले दफा इसकी दुकान पे आए हैं और हमें कुछ अच्छे लगे हैं। चलो जी ये भी डाल दो। हम जब भी इधर आए ना, हमें इतने अच्छे नहीं मिलते थे कबूतर, लेकिन आज हमें लग रहा है कि शायद अच्छे हमने ले लिए हैं। ये तो घर जाके मजीद हम गौर से देखेंगे। यहाँ पे वैसे ज्यादातर ऐसे होता है कि हम अच्छे समझ के ले जाते हैं, उधर उसके अंदर की 100 फाड़ निकल आते हैं। अभी देखते हैं भाई, 250 एक कबूतर का, अगर बारे में है तो बताओ, नहीं तो हम तोड़ के चले। तीन ले रहे हैं यार, अब इतना तो कर लो यार। बात तो आपको आया हुआ गुस्सा, क्योंकि हम जब भी लेके जाते हैं ना, हमें लूट लेता ही है ये। तो अब क्या करना है हमने, अब नहीं लूटवाना अपने आप को, अब जो है ना थोड़ा हमने भी बहस करनी है। देखो बहस कर रहे हैं हम, नहीं यार बस भाई कम नहीं कर रहा क्या, 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा भाई। जो बंदा 50 भी ना कम करे यार, अब हम कहाँ जाए, और भी दुकानें, ये एक थोड़ी है यार। चलो चलो चलो, दुकानों की कमी नहीं है, कबूतर बहुत होते हैं यहाँ पर। इससे समझा कि सिर्फ मेरी दुकान है और मुझसे ही लेंगे, लेकिन हमें आगे भी पता है दुकानें हैं साथ ही, यहीं से ले लेते हैं। यार रोडों की हालत देखें, बहुत ही कीचड़ जमा हुआ पड़ा है, और हम बस तकरीबन पहुंच ही चुके हैं जहाँ से हमने पैरेट्स लिए थे ना, हम वहीं से कबूतर लेंगे। और मेरे ख्याल में वो दुकान सिप्तान भाई बंद है, ये देखो यार दुकानें तो ये बंद हैं, पता नहीं अब कोई और दुकान इस साइड पे खुली हुई है या नहीं खुली हुई, हम देखते हैं फिर मजीद जाके, नहीं तो हमें फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से हमने उन कबूतरों को छोड़ा है, जो हमने नहीं लिए, मतलब बेइज्जती वाली बात है वैसे। ये देखते भी जाएंगे यार कोई दुकान खुली हुई होगी, तो नहीं तो हम वहीं कबूतर फिर ले लेंगे। ओके ओके लेट्स गो। ओ हो हो है, रेट बढ़ गए भाई, बोल घंटे में रेट बढ़ गए, और भी मजबूरी का फायदा उठाएगा अभी। 50 नहीं, मैं आपको 100 रुपये ऊपर दे दूंगा कबूतर निकाल के। हाँ, अब ऐसे गुस्सा आ गया। तो यार फाइनली हमने कबूतर ले लिए हैं, और अब हम जाते हैं घर, तो उनको वहाँ पर खोलते हैं। अभी जाओ आ जाओ सीधे, अभी जाओ पैसे ज्यादा दे दिए ना, इसका दिमाग खराब हो रहा है साहब। अभी हमने देखा है कि एक और दुकान भी खुली हुई है, फड्डा हो गया, फड्डा हो गया। ओ भाई भाई भाई, कितने के लोगे आप ये वैसे? आप हमें कीमत बता दीजिए कितने के होंगे? 600-700 बताऊंगे सारे। सही मानो में हमने जो है ना लुटवा लिया अपना पैसा बर्बाद। भाई कह रहे हैं कि यह 600 के तीन कबूतर आपके तकरीबन, उन्होंने अपना अंदाजा लगाया, और हमने उनसे पूछा है, ये जो ब्लैक बैठा ना एक ऊपर और एक नीचे, ये पेयर दे रहे हैं पूरा कितने का? 500 का पेयर दे रहे हैं, इतने अच्छे कबूतर यार। भाई इधर ही होंगे आप? भाई कह रहे हैं आपने 300 रुपये ज्यादा दे दिए, अंकल के रेट्स बहुत मुनासिब हैं, तो हम यहाँ पर ही आया करेंगे, उसको छोड़ते हैं यार।
यार काफी दिनों के बाद हम अपने गंजे चिक्स को ना करीब से देख रहे हैं, क्योंकि ये नजर ही नहीं आते। सुबह सुबह छलांग मारते हैं, गली में घूमते रहते हैं और शाम के टाइम आते हैं छत पर अपनी मर्जी से। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं और अब हम इन कबूतरों को खोलते हैं। लेकिन पर निकालें? हाँ पर निकालने ही पड़ेंगे यार, पर तो निकालने पड़ेंगे। सही है। तो पहले यार हम इनको खोल देते हैं। तो भाई कैसे गया स्पीड से अपने बच्चे के पास? ये वही है ना जिसका बच्चा है ना। और ये देखो, ये देखो बाहर ही शुरू हो गया खिलाना इसको। प्यारे हैं वैसे। मैं तो कहते इनका नाम रख दो तीन बहादुर। तीन हाँ देखो मैच हो रहा है, तीन ही है ना, भाई होंगे जाहिर है, एक जैसे यार सेम है, वैसे अच्छे हैं ना। हाँ प्यारे हैं यार। इनका नाम यही रख देते हैं तीन बहादुर, ठीक नहीं है? ठीक है, ओके करो। एक दो तीन। तो यार तीनों कबूतरों के पर हमने निकाल लिए हैं और अब मैं छोड़ने वाला हूँ नए कबूतरों को। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, माशाल्लाह। और ये देखो वो इधर जा रहे हैं। आ गया। ये फीमेल्स हैं? पता नहीं यार, ये फीमेल हैं या मेल हैं। भाई इनकी हिफाजत करनी होगी तो आप समझ रहे हो यार। नहीं तो यार इनको मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए मास्टर केज में रख देते हैं। अच्छा नहीं तो तुम जैसे कहो यार। यार मैं कहता हूँ इधर ही ठीक है, लेकिन हिफाजत करनी पड़ेगी, बिल्ली से बचाना होगा, बिल्ली मौके की ताड़ में होती है। चलो तो यार हाँ। तीन बहादुर हमारे जो कबूतर है ना आ चुके हैं और बहुत प्यारे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि नए कबूतर आ गए हैं। और आपने अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसे लगे हैं। तो अभी फिलहाल हमारे फाउंटेन में पानी बहुत कम हो चुका है यार, तो सेप्टेन फाउंटेन का पानी मैं ऑन कर रहा हूँ। नहीं यार रात को बारिश आने वाली है, थोड़ा सा तो कर दे यार। नहीं मछलियाँ इसमें रह लेंगी भाई, काफी है। देखो ना कितना पानी है, ये देखें यहाँ तक पानी है। तो मछलियाँ तो छोटी है ना, बड़ी तो है नहीं ना, भर जाएगा यार कुछ टाइम में, थोड़ा सा। अच्छा। ये आधे तक करते हैं ना, बारिश में अच्छा। आएगी आजकल। चलो फिर हम कर लेंगे बाद में। बंद करो ना, डब्बे में डालो। सही है यार, मैं कहता हूँ इसको इनको रख दो यार मास्टर के लिए, मुझे डर लगने लगे। हाँ डर लग रहा है। चलो फिर बोलो। चलो ये ऐसे सहमे हुए हैं, बिल्ली आएगी लेके चली जाएगी। चलो 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 सही रहेंगे नीचे, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा इनको, तो बाद में देख लेंगे। चलो ये गया, ये भी गया, ये भी गया। चलो ये डक्स के साथ घूमते रहेंगे। ये क्या देख रहे हो यार? देखना ये है कि अंडा दिया है या नहीं दिया। मेरे ख्याल से अंडा दे दिया जितन, इधर ही अंडा दे दिया। ये देखो क्या बात है यार, यार लेकिन सही नहीं है जगह। और इसके अंडे का साइज देखो लंबा है यार। देखे वो कबूतर भी तो प्यारे हैं, अच्छे हैं ना, इस वजह से शायद इनका अंडा ऐसा हो। पकड़ो इसका अंडा। मैं क्यों पकड़ू? मैं मुझे ये बनाने दो यार जरा। इसको फिक्स करो यार, टाइट कर दो ताकि हिले ना बाद में। टाइट कर दिया यार मैंने। चलो अच्छा अच्छा है, गुजारा कर रहे हैं भाई हम, क्योंकि हमने इनकी कॉलोनी बनानी है। अभी सोच रहे हैं बनाएं लेकिन बना नहीं रहे। ये पकड़ो इसको। चलो चलो अभी गुजारा तो हो जाएगा ना अंडे। इधर क्यों रख रहे हो, गिर जाएगी नीचे जमीन पे, इस पे रख दो। हाँ ऐसे 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 सही है, अब ठीक है। तो यार हमने अपने रैबिट्स के लिए यहाँ पर घास डाला हुआ है, वहाँ पर भी डाला हुआ है, और ऊपर हमारी मुर्गियों ने उस घास को ख़राब ही कर दिया। मैंने रैबिट्स के लिए यहाँ पर रखा था तो मुर्गियाँ सारी ऊपर आई और खा गई। तो इस घास को यार हम इकट्ठा कर लेते हैं और रैबिट्स के आगे डाल देते हैं। ये गया जी रैबिट हाउस के अंदर, रैबिट हाउस के अंदर, इधर बाहर नहीं। और ये देखो हमेशा यार ये अंदर होते हैं टर्की बर्ड्स, बंद है वो, बाहर कैसे निकले फिर? फिर जाते क्यों अंदर? चलो निकलो। ये गया। तो दोस्तों अब हम अपने रैबिट्स को ना बाहर ही छोड़ते हैं, आज का सारा दिन वो बाहर ही घूमते रहे हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा था, हल्की हल्की सी बारिश थी और बादल आए हुए हैं, तो जिसकी वजह से रैबिट्स भी बहुत खुश रहे, छुपे नहीं है, नहीं तो वो क्या करते थे कि अपने खानों में छुपे रहते थे धूप की वजह से। लेकिन आज वो बहुत खुश रहे और अलग रहेगा, 5-6 दिन ऐसे ही मौसम अच्छा रहेगा, इसी तरह से बादल रहे तो अच्छा, तूफान ही बारिश आए बस, तो हमारे रैबिट्स भी इसी तरह से खुले ही रहेंगे और आई थिंक जल्दी से फिर बड़े भी हो जाएंगे। पर हमारे गंजे चिक्स यार देखें बहुत बड़े हो गए, माशाल्लाह आपने देखे होंगे पहले छोटे छोटे से होते थे, लेकिन अब ये बाहर ही रहते हैं तो इनकी आप ग्रोथ देखें काफ़ी बड़े हो गए और बहुत कलर भी अच्छा निकल रहा है यार, ग्रे कलर है, बहुत प्यारे लग रहे हैं यार मुझे। एक फीमेल है एक मेल है गंजे चिक्स में से, यार मुझे अब पता चला जा के एक फीमेल है एक मेल है, क्योंकि पहले छोटे थे ना समझ नहीं आती थी, अभी इनके जेंडर का पता चल रहा है हमें। और रैबिट्स को सिते हैं यहाँ पर अभी घूमने देते हैं, ठीक है तो अभी हम चलते हैं नीचे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेगी इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
है।